आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने लेटेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, सन 2016 का सीटेट का, जो पिछले साल पूछा गया था, एक साल पहले 2017 का एग्जाम नहीं हो पाया था। तो आज हम उसको सॉल्व करेंगे फटाफट, और उसके बाद अन्य पेपर ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए दोस्तों अब। ठीक है, ये आपका यूपी टेट और यू टेट में भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो आगे भी आप इसमें से मदद ले सकते हैं। और दोस्तों अब मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि काफी टाइम कम रह गया अभी तक, जिन लोगों ने जितना पढ़ना था, जो पढ़ना होगा वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं, प्रैक्टिस हो सकते हैं, चाहे ऑनलाइन आप प्रैक्टिस करें, चाहे ऑफलाइन करें, घर पर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट पड़ा है तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आप करेंगे, और प्रीवियस ईयर के पेपर सारे जितने सॉल्व कर सकते हैं, मेरे चैनल में भी बहुत ज्यादा हैं, तो उनको सॉल्व कर लीजिए। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं फटाफट। ये पेपर फर्स्ट का पेडागोजी का सेक्शन है, जो दोनों के लिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। मोस्ट क्लासरूम इन इंडिया आर मल्टी लिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज बाय द टीचर। ठीक है, हमारी बहुभाषिकता वाली क्लासेस होती हैं बहुत ज्यादा, तो एक शिक्षक को किस रूप में लेना चाहिए, वो एज ए रिसोर्स लेना चाहिए। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग। उनकी थिंकिंग, उनकी सोच को समझने के लिए एक जो है अपॉर्चुनिटी के रूप में उसे लेना चाहिए। ठीक है, तो यही सही उत्तर है कि जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं उनको किस रूप में लेना चाहिए। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्यूज डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट्स हु कंस्ट्रक्ट्स देयर ऑन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, किसने ये बताया कि जो उनके व्यूज हैं या नॉलेज का, अपने आप ही एक्टिव बिल्डर्स होते हैं बच्चे किस, और जो छोटे साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, उनको इस थ्योरी का किसने बताया, संसार को इस थ्योरी के बारे में किसने बताया? जी हाँ, जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स होता है गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, और कभी कभी केवल उनके पार्टिसिपेंट के पार्टिसिपेशन, यानी उनकी जो कक्षा में भागीदारी है उसके लिए पूछा जाता है दोस्तों। तो यही उत्तर सही है। अगले प्रश्न आएंगे, अ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। एक जटिल परिस्थिति में हेल्प कर सकता है बच्चे की शिक्षक, किस तरह से, वो ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो टास्क है उसको कंप्लीट कराने के लिए उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा और लिखकर जो भी इंस्ट्रक्शन अनुदेशन उन्हें देने हैं। दिस इज द राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है, एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम वे एज इट इज रिसीव्ड। ठीक है, नॉलेज यानी ज्ञान को उसी रूप में वो उत्पन्न करें या बताएं जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, ये प्रॉब्लमेटिक होगा, इस प्रॉब्लमेटिक बिकॉज इंडिविजुअल इंटरप्ट एक्सपीरियंस एंड डू नॉट प्रोड्यूस नॉलेज एज इट इज रिसीव्ड। ठीक है, ये समस्यात्मक है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है, वो अपने से इंटरप्रेट करता है कोई भी अनुभवों को। ठीक है, जैसे आप हैं, मैं कुछ बता रहा हूँ लेकिन आप उसे अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करेंगे, अपने हिसाब से उसे उसका आकलन करेंगे अपने अनुभव का, और उस हिसाब से नॉलेज करेंगे, लेकिन वो पूरा का पूरा नहीं होता। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी तरह सेम लाइन्स हम याद नहीं करते हैं। ठीक है, उसे अपने शब्दों में ही याद करते हैं। दिस इज द राइट आंसर सेकेंड। अगला प्रश्न है, व्हेन स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अ प्रॉब्लम इन ग्रुप्स देयर लर्निंग कर्व। ठीक है, कैसा होगा जब आप अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, आपको ऐसा मौका मिल जाए तो आपका लर्निंग कर्व कहाँ जाएगा, वो बेटर हो जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर डी, बिकम बेटर। अगला प्रश्न है, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। ठीक है, जो विकास का एक क्रम है या दर है उसकी, वो हर व्यक्ति से, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में अलग होती है। कह रहे हैं वो कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, वो पैटर्न करता है विकास एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर से होता है। इसको जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आगे वाले एग्जाम के लिए भी।
अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, विकास के बारे में कौन सा सही है? तो ये है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। ठीक है, जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है बालक का, वो उसके डेवलपमेंट में, किसी भी मनुष्य के डेवलपमेंट में, विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों आप वीडियो पॉज करके अन्य विकल्प भी देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अभी काफी कम टाइम है और लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन कराऊं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। बाद में आप वीडियो को सेव करके ऑफलाइन, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, ऑफलाइन से सेव करके देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अदर, एक दूसरे से क्यों भिन्न होते हैं? ठीक है, ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जो इंटरप्ले होता है या जो संबंध होता है, अंत संबंध, उसके कारण ही जो है प्रत्येक मनुष्य दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। फैमिली प्लेज डैस रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, किसी भी बच्चे के समाजीकरण में परिवार किस तरह की भूमिका निभाती है, वो प्राइमरी। ठीक है, तो हर किसी को आ जाएगा प्राइमरी, प्राथमिक भूमिका जो है परिवार की होती है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में ही रहता है और वहां पर एक सामाजिक यज्ञ है या उनसे सीखता है। ठीक है, कोई भी चीजें डिस्कस हमने डिटेल में पहले बहुत बार कर चुका हूँ। आज फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई आपकी क्वेरी हो फिर भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कुछ भी दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैस्ड पेयर, करेक्टली मैस्ड पेयर इसमें है डी, जैसा आप देख पा रहे होंगे, कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासिफाई। ये स्टेजेस मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जिनको अभी भी क्लियर नहीं है वो पियाजे की जो फोर स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जरूर देख लीजिएगा, जाने से पहले भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, चाहे 2016 का पेपर दें, चाहे 18 का दें, चाहे 19 का देंगे, चाहे 20 का देंगे, तो उसमें से क्वेश्चन बनना ही है। अगले प्रश्न में आते हैं, अ चाइल्ड सेज क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन द सन, शी इज शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। ठीक है, एक बच्चे ने कहा कि जो कपड़े होते हैं वो धूप में बहुत जल्दी से सूखते हैं, तो उसका किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग दिखा रही है, वो दिखाती है कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, सेकंड इसका सही आंसर होगा, आंसर बी, आप जिसने बताया उसको भी बहुत खुशी है मुझे, जिनको पहले से पता होगा कॉज एंड इफेक्ट, एक कारण होगा और उसका प्रभाव उसको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट। ठीक है, उनके प्रकार में अलग होती है, किसके तुलना में, जो अमाउंट है उनकी मात्रा के अनुसार में, लेकिन प्रकार अलग कम होता है। ठीक है, प्रकार में भिन्न होती है। ठीक है, बुद्धि का प्रकार अलग होगा लेकिन अमाउंट कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का कौन सा उदाहरण इनमें से कह रहे हैं, वो है डी, गिविंग प्रमोट्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्शंस। ठीक है, स्कैफोल्डिंग मीन्स होता है मेनली सहारा देना। ठीक है, इसमें वही चीजें पूछ रहा है कि आप क्लूज देंगे, क्लूज नहीं होगा दोस्तों, क्लूज होगा, जो कि उसको कुछ क्लू देंगे, आप आधा प्रश्न कराएंगे और उसके बाद उस बच्चे को क्लू देंगे और प्रश्न पूछेंगे, जिससे क्या होगा कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और वो उस किसी भी सवाल को हो या किसी भी सिचुएशन को उसे ओवरकम कर जाए। यही होती है इसका फोल्डिंग का एग्जाम्पल। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट एंड पीयर्स, दिस इज द राइट आंसर, समाजीकरण के लिए उनका सिद्धांत था, उनमें उन्होंने ये बताया था, तो दिस इज द राइट आंसर। कोहलबर्ग हैज गिवन कितने, किस में स्टेज की डेवलपमेंट दी उनने, जी हाँ, मॉरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग का, मैं भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो उसकी स्टेजेस भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखी है वो मुझे अनअकैडमी ऐप में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें देख सकते हैं, सुनील चंद्र जोशी नाम टाइप करके। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज इलस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासरूम है, बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है, वो है अ क्लास इन विच द स्टूडेंट आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टास्क टेक्स
टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप, ठीक है, ग्रुप्स में बच्चे बैठेंगे जिससे उनमें समाजीकरण की भावना का भी विकास होगा, और अगर शिक्षक हर एक ग्रुप के पास जाएगा तो उनका जो भी समस्या है या किसी क्वेश्चन में समस्या आ रही है या कहीं पे उन्हें प्रोत्साहन देना है या कुछ भी समझाना है तो उसे अच्छे से समझा सकता है। अगला प्रश्न है इंटेलिजेंसीज, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीट हो सकता है कि बुद्धि क्या है। बुद्धि है अ स्पेसिफिक एबिलिटी है, ठीक है, एक विशिष्ट योग्यता है बुद्धि। अगला प्रश्न है अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड माना है पियाजे ने लैंग्वेज डेवलपमेंट का। ये कभी कभी प्रश्न पूछा था कि किसने माना है इसको सेंसिटिव, तो ये पियाजे की थ्योरी से ही रिलेटेड है, पियाजे का इसका राइट आंसर होगा और यहाँ पे सेंसिटिव आएगा। अगला प्रश्न है अ टीचर रिमार्क्स इन अ को एजुकेशन क्लास टू बॉयज, बी बॉयज एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, दिस रिमार्क्स, ठीक है, एक समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर सह शिक्षा की बात कर रहे हैं क्लास में जहां पर लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, तो वो कह रहे हैं कि लड़कों की तरह बिहेव कर लो लड़कियों की तरह नहीं, तो ये क्या रहा है, सीधे सीधे रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टीरियोटाइपिकल मेथड, ठीक है, स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सीधे सीधे जो जेंडर बायसनेस है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगला प्रश्न है असेसमेंट, असेसमेंट इज अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग, ठीक है, ये आकलन करना वही है कि सीखने को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके लिए टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, जैसा कि आपका भी लिया जा रहा है कि टेस्ट लिया जा रहा है आपका आपका जो लर्निंग है उसको अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, सीटेट में, तो कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस लाइक अ असेसमेंट। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूजन, इंक्लूजन की बात कर रहा है, तो इंक्लूजन इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आए ये क्वेश्चन जरूर आएगा, 5 नंबर के प्रश्न इसमें से आते हैं। इट इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल सिस्टम, ठीक है, ये एक ऐसे इस फिलोसफी पे आधारित है, इस दर्शन पर आधारित है कि सभी बच्चों को अधिकार है इक्वल समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का जो रेगुलर स्कूल सिस्टम है उसमें, ठीक है, रेगुलर स्कूल्स में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है इन कैटरिंग टू द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड अ टीचर शुड, क्या करना चाहिए उन्हें, ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम एंड इन्वॉल्व देम इन क्लास डिस्कशन, ठीक है, उनके बारे में और ज्यादा उसने जानने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी जो डिसएडवांटेजेस का कारण है या बैकग्राउंड क्या है उनका, जिसके इस बैकग्राउंड का कारण क्या है, और उसने ज्यादा से ज्यादा क्लास में डिस्कस करना चाहिए उनके साथ भी, ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आए, बाकी 3 ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हैं, आपको देखकर ही पता लग जाएगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज एन आइडेंटिफायर ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, किस बिहेवियर से आप पहचानेंगे कि बच्चा जो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, ठीक है, अगर वो राइटिंग करता है बी एंड डी वॉज एज 100, 21 एज 12, ठीक है, बी को डी की तरह लिखे, वॉच को 100 लिखे या 21 को 21 को 12 या 12 लिखे, ठीक है, तो ये डिसलेक्सिया नामक बीमारी का भी लक्षण है, ठीक है, तारे जमी का उदाहरण मैं आपको कई बार दे चुका हूं तो उससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शली, जो बच्चा जो है कम देख पाता है, बहुत कम देख पाता है, तो आप क्या करेंगे, शी शुड बी पुट इन ए रेगुलर स्कूल, ठीक है, उसे रेगुलर स्कूल में पढ़ाना चाहिए वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजन्स, ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोविजन उसके लिए रखने चाहिए, जैसे कि उसे आगे बैठाना चाहिए, ठीक है, आंखों की उचित देखभाल भी उसकी हम करा सकते हैं, ठीक है, तो उसे अब एज ए टीचर आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि बाकी 3 तो सीधे सीधे गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है लर्निंग, लर्निंग क्या होना चाहिए, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर्स इमोशंस, ठीक है, आपके संवेगों से सीधा सीधा जुड़ी होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होती और लिटिल कनेक्शन भी नहीं होता उसका, और ना और ये अफेक्टेड होती है इमोशन से, ठीक है, तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्निंग लर्नर्स इमोशन, यानी आपका सीखने के प्रति जो
इमोशन है उस टाइम के, किस तरह से आप सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, भावनाएं है कैसी हैं आपके, संवेग कैसे हैं, ठीक है, खुश होके सीख रहे हैं, दुखी होके सीख रहे हैं, तो ये चीजें सब इंपॉर्टेंट हैं और लर्निंग को इफेक्ट करती हैं। तो ये क्या हो गया, इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग को। अगला प्रश्न है, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू मेक कॉन्सेप्चुअल चेंजेस इन देयर थिंकिंग अ टीचर शुड, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मेक क्लियर एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशंस एंड हैव डिस्कशंस विद द स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है किसी के प्रति, अगर किसी भी टॉपिक को लेके उनके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करने, तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि मेक क्लियर कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन, एक तो साफ साफ एक्सप्लेन करना चाहिए चीजों को, और दूसरा डिस्कशन करना चाहिए स्टूडेंट यानी अपने विद्यार्थियों के साथ डिस्कस भी करना चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्राइमरी स्कूल क्लासरूम व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट मीन, एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सक्रिय भागीदारी, ठीक है, तो उसका अर्थ होता है इंक्वायरी क्वेश्चनिंग एंड डिबेट, ठीक है, बहुत सारे इसमें कंफ्यूजिंग है, ठीक है, कॉपिंग आंसर तो नहीं होगा और इमिटिंग एंड कॉपिंग द टीचर भी नहीं होगा, मेमोराइजिंग रिकॉल एंड रिसेटिंग हो सकता है, लेकिन मेमोराइजिंग पे उतना ध्यान नहीं देगी, इंक्वायरी होनी चाहिए पहले, ठीक है, जांच होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन होनी चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर बी। पेडागोजी का अंतिम प्रश्न है, चिल्ड्रेन आर मोस्ट क्रिएटिव व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी, ठीक है, किस एक्टिविटी में भाग लेते हैं वो जब आउट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट से बियॉन्ड है उस पे वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर बी, क्योंकि अगला अंडर स्ट्रेस टू डू वेल इन फ्रंट ऑफ अदर्स नहीं हो सकता, फॉर रिवार्ड्स भी नहीं होगा, ठीक है, टू एस्केप देयर टीचर्स स्कैफोल्डिंग स्कॉल्डिंग, उनकी डांट से बचने के लिए भी नहीं, तो ये है आउट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों ये थे 30 प्रश्न जो हमने जल्दी से किए, मैं इसके सेकंड पेपर के भी पेडागोजी के अभी जस्ट इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।